मैं आपको एक छोटी सी अच्छी सी गुड न्यूज देना चाहूंगा, तो इस बारे में हमारे जो मित्र है हरीश जी आपको बताएंगे। देखिए देखो भाई, आप सब हमारे साथ आए थे उदित राज जी के पास, सांसद जी के पास, तो उन्होंने उस दिन भी हमें आश्वासन भी दिया था और बोला था कि हम जो है DSSB को भी लिखेंगे और CBI को भी लिखेंगे और अनिल बैजल जी को भी लिखेंगे। उन्होंने अपना बाकायदा अपने लेटर पे लिख के दिया है, देख सकते हो आप सब इसमें। हाँ, गीतांजलि गुप्ता जी को लिखा है कि वे इसकी फेयर इंक्वायरी हो, कोई भी अनसिलेक्टेड बच्चा ना सिलेक्ट हो। और ये विद प्रूफ हम लोगों ने इतने प्रूफ दिए हैं, जो ऐसे नहीं है कि विद प्रूफ दिए। और अभी जो दूसरा लेटर जो गया है वो दिखाएंगे। ये कॉपी ऋषि कुमार जी जो CBI डायरेक्टर है उनको दी गई है, हमने इतना एविडेंस दिए हैं। साथियों कुछ तो घपला है इसमें, जब भी तो ये हो रहा है उदित राज के पास। उदित राज जी सर के पास आज सिलेक्टेड कैंडिडेट आए थे और उन्होंने बोला कि खुद माना है कि धांधली हुई है, उन्होंने खुद माना कि हाँ सर हुई है। तो उन्होंने बोला कि जा सोने दो, जो फेयर होगा अनफेयर होगा, अनफेयर हो या फेयर हो जा सोने दो, वो बाद में पता लगेगा, तो जा से क्यों डर रहे हो। और तीसरी जो जो हमारे LG सर है अनिल बैजल जी उनकी है, ये आपके हमारे LG सर हैं और LG सर को सेंड कर देंगे। और हम एक बात ये कहना चाहेंगे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, जो रिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसको बाद में सिलेक्शन ले सकता है। कुछ हम सिर्फ उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ है जो एक सेंटर से काफी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, जो धांध लिख रहे हैं सिर्फ उनके खिलाफ ऐसा स्कैम हुआ है कि एक पर्टिकुलर जगह से 60-60 बच्चे लगे हैं और उनका नाम नहीं लेना चाहता, मुझे उनका नाम पता है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। और जल्दी इसके बारे में भी अपडेट की जाएगी, जो हमने और से मिलेंगे तो उसको प्रोवाइड कर दिया। हमने ये भी लिखा है कि ओमर सीट भी हमें पहले दी जाए, जब भी तो रिजल्ट निकालेंगे। ऐसा क्या हुआ जो हमें ओमर सीट भी नहीं मिल रही है। और एक बात और जो हमने की है कि स्टे मतलब फर्दर कुछ इंक्वायरी मतलब ना हो कि ना उन्हें नंबर वगैरह दिए जाए, ना उनको क्या नाम है, हमने सिर्फ इंक्वायरी की बात की, इंक्वायरी होनी चाहिए और तब तक स्टे लग जाए और उनको जो लेटर होते हैं लेटर वगैरह ना दिए जाए। हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट हमने की है, सर ने बोला कि हाँ इसके ऊपर कार्रवाई होगी और जल्दी होगी। एक मंथ रुक जाओ, हम भी साथ हैं, जो सिलेक्टेड है वो जॉब पे लगे, हम भी लगे। लेकिन भाई ये इतने दिन रुक गए, एक साल रुक गए, कैंसिल होने के बाद एक साल बाद एग्जाम हुआ है, जो ये घूम रहे हैं बार बार कि हमारा पेपर कैंसिल करा रहे, हम नहीं करवा रहे भाई कैंसिल, हम करवा रहे हैं इंक्वायरी। अब एक महीना और रुक जाओ तुम, एक महीने में क्या जाना है, कम से कम एक टीचर की पोस्ट तो ऐसी छोड़ दो जो बच्चों को पढ़ाना आगे। आधे ऐसे आ जाएंगे जो गिनती लिखनी तक नहीं आती, वो टीचर के उसमें 138-140 नंबर लिए बैठे हैं। क्या आप सब खुश हो ऐसे स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट हो। साथियों मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, ये तभी पॉसिबल हुआ है।